नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ प्राची। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 14 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। इससे पहले 29 और 30 जनवरी को विधायक प्राथमिकता की बैठक राज्य सचिवालय में होनी है। विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने विधायक प्राथमिकता की बैठक में शामिल न होने की बात कही है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने विधायक निधि की किश्त जारी न होने पर बीजेपी विधायक दल के साथ बैठक का बहिष्कार किया है। इस मामले में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान भी सामने आया है। आइए आपको सुनाते हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू आखिर क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि विधायक निधि बंद कर दी गई है। ऐसी किसी भी विधायक निधि को पहले तो बंद नहीं किया, और जिस प्रकार की जानकारी वो सचिवालय से प्राप्त कर रहे हैं, फाइल के पीछे इतना घूम रहे हैं। अच्छा होता, आपदा जब हिमाचल प्रदेश में आई थी, आपदा प्रभावित परिवारों के लिए वो दिल्ली में जाकर केंद्रीय मंत्रियों से मिलते और अनुरोध करते कि हमें स्पेशल रिलीफ पैकेज दे। एमएलए फंड के लिए वो इतने बेताब क्यों हैं? एमएलए फंड तो मिलना ही है, जो बजट में अनाउंस किया हुआ है। किसने रोका, कब रोका, ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। फिर वो ठगने का काम कर रहे हैं। वहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आगे कहा कि वो नहीं जानते कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ऐसा क्यों बोल रहे हैं। सरकार ने विधायक निधि बंद नहीं की। जयराम ठाकुर राज्य सचिवालय की एक फाइल के पीछे घूम रहे हैं। इससे बेहतर होता कि वो दिल्ली जाकर आपदा प्रभावितों के लिए मदद लाते। आगे आप खुद सुनिए वो क्या कह रहे हैं। जब हमने प्रस्ताव लाया तो उसमें भी खड़े नहीं हुए। चर्चा 3 दिन तक विधानसभा में की, सब आंकड़े प्रस्तुत किए, बड़ी बड़ी बातें की, उसके बाद भी वो खड़े नहीं हुए। और अब जो हमको 10,000 करोड़ रुपए का क्लेम मिलना है, जो कि दिसंबर में मिलना चाहिए था, 10,000 करोड़ में से जो केंद्रीय जो कानून है, जो केंद्रीय नियम बनते हैं कि ये क्लेम के आपदा के बाद नियम होते हैं कि इस नियम के तहत हम उस क्लेम को भरते हैं, वो हमने 10,000 करोड़ का भर के दिया हुआ है। दिसंबर में मिलना चाहिए था, उनको रुकवाने का कार्य कर रहे हैं। वो कोई हमारे सरकार के हित में थोड़ी लगना, हो तो आपदा प्रभावित परिवारों के हित में लगना है, सड़कों के लिए लगना है, पानी की योजनाओं के लिए लगना है, आपदा प्रभावित परिवारों को और क्या सुविधा दे सकते हैं उनके लिए लगना है, उसको रुकवाने का काम कर रहे हैं। और अभी सिर्फ बहाना ये ढूंढ रहे हैं कि किसी तरह हम MLA फंड बंद हो जाए। MLA फंड कोई बंद नहीं हुआ है। तो मैं ये चीज़ चाहता हूँ कि वो साथ दें और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रदेश के विकास में हमारी मदद करें। आगे सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह भी बताया कि विपक्ष को सच बोलना चाहिए। अगर विधायक निधि बंद करने की कोई चिट्ठी उनके पास है तो वो इस चिट्ठी को दिखाएं। सरकार धन का दुरुपयोग नहीं कर रही है। आगे सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के नेता केंद्र में जाकर हिमाचल प्रदेश की मदद रोकने का काम भी कर रहे हैं।